ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिंपल क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मेजरली मैंने आपको यही बताना है आप कैसे अप्लाई करोगे आईटा, कि आपने आईटा कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके करना है, ठीक है। थोड़ा कैमरा मेरे आगे करना है, ओके। तो ये कैसे करना है ये हम समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने रिकॉग्निशन लेनी है, जो पूरा एडवांस कोर्स कर रहे हैं उन्हें मालूम कोर्स का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, जो लोग क्या कहते हैं सिर्फ 15 आवर्स वाला कोर्स कर रहे हैं, जिन्हों का एग्जाम आज होना था 3 बजे, जो हमने 22 तारीख को कर दिया है, वो 22 तारीख को इसलिए कर दिया है क्योंकि ज्यादातर लोग छुट्टियों पर थे 22 तारीख को, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई हम ट्रैवल कर रहे होंगे, और मेजरली एग्जाम जिन्होंने कोऑर्डिनेट करना होता है वो भी लड़कियां हैं, तो वो भी कंफर्टेबल नहीं थी आज एग्जाम लेने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्लासेस तो हम ले ही रहे हैं आज, बट आपका एग्जाम जो है वो ही सिर्फ 22 तारीख को हुआ है, ठीक है। एग्जाम आप सब लोग बड़े आराम से पास, दो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। क्यों कर लेंगे, कैसे इतने आराम से पास कर लेंगे, क्योंकि हम आपको इतने बढ़िया क्वालिटी के सैंपल पेपर देते हैं। कहते हैं ना कि एग्जाम आपने पास करना है आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो, तो आपको 2 सैंपल पेपर मिले हुए हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसी में से ज्यादातर सवाल आएंगे। एक टीचर के सैंपल पेपर बनाने का मतलब, अगर आप सैंपल पेपर बना रहे हो तो उसमें से 50% तो आपका आंसर आने चाहिए ना, तो यहाँ पर 80% 90% आएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको करके आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसी सर्टिफिकेट को आप लोगों ने अपलोड करके अपना आईटा लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एग्जाम 22 तारीख को दोपहर को 3 बजे है, उसके लिए कोई क्लास आपको ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, उसका लिंक आपके पास पहले से आ जाएगा, यू विल गेट द लिंक इन एडवांस, पहले से आपको लिंक मिल जाएगा जो कि जीडीएस का लिंक होगा, ठीक है। उस लिंक पर जाकर आप अपना एग्जाम शुरू कर पाओगे। एग्जाम कैसे शुरू करना है वो भी हमने पहले से समझाया हुआ, उसकी भी आपको वीडियो मिली हुई है कि आपने एग्जाम शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको आईटी प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊं, किसी के कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल कोई पूछना चाहता हो, एनी क्वेश्चन Yes, बोलिए। sir. I have a question. You have not received the sample paper link and the video that you are referring to. Your voice is very, very low. You have to speak a little louder. Good afternoon, sir. So I'm saying, can you hear me? Yeah, I can hear you now. So I'm saying I have not received the link for the sample paper and the recording that you are referring to. So where I can get that? You can WhatsApp me if you have not received it, but you must have received it. Okay, but if you have not received it, you can WhatsApp me after the class. I will send you. My WhatsApp number is with everyone. If you don't have, I can just utter my WhatsApp number 9871932556. Okay. So my WhatsApp number is 9871932556. मेरे पास ही रहता है ये नंबर, ठीक है। जब मैं क्लास में होता हूँ तो मेरा कोई कुलीग वगैरह कोई हैंडल करता है, अदरवाइज मेरे पास ही रहता है, मैं ही जवाब दे रहा होता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। एनीथिंग एल्स एनी वन वॉन्ट टू आस्क, और कोई कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि कोई सवाल नहीं है आगे चलते हैं, ठीक है, जी सर, एक क्वेश्चन है जी। बोलिए प्लीज बोलिए। अगर ये मैं टिकट इशू करता हूँ, एक मैं सऊदी अरब में ऑफिस है, आटा सऊदी अरब के नाम से लेता हूँ ना इधर से, और अगर टिकट एक इशू करता हूँ पाकिस्तान में, आटे को पेमेंट पाकिस्तान से भी कर सकता हूँ या वो पेमेंट जो आटा को करनी है सऊदी अरब से ही करनी पड़ेगी गो लाइट में? आप जो आयटा लोगे वो आप सऊदी अरेबिया में लोगे, सऊदी अरेबिया जी के जाके सऊदी अरब लोगे, तो जी। आपको पेमेंट भी सऊदी अरेबिया से ही करनी पड़ेगी, हाँ सर, ठीक। ठीक है। बट ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है, देखो समझो इस बात को, ठीक है, कि आयटा को आप पेमेंट कैसे करोगे पूरे दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, ठीक है। अगर मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं, ठीक है, और मैंने आईटा ले लिया, मैंने सब कुछ ले लिया, ठीक है, आई हैव टेकन एवरीथिंग, ओके। बट लेने के बाद
अब मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे ही लैप मैं अपने लैपटॉप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे ही लैपटॉप के ऊपर टिकट होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैं दुनिया में कहीं पर भी मैं पेमेंट तो करता ही रहूंगा। अगर मैं एक इंडियन हूं, इंडिया में रह के मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूँ और मैं कल को पाकिस्तान अगर घूम रहा हूँ, तो क्या मैं पाकिस्तान में रहते हुए पेमेंट नहीं कर सकता हूँ? ये सोल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है, ये पेमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आप कर पाओगे पाकिस्तान से भी। बट अगर हम टेक्निकली समझें इस बात को, तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट जो है वो करनी चाहिए सऊदी अरब से। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? थैंक यस सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क। सो मेरी जो ट्रैवल कंपनी रजिस्टर्ड है, दैट्स ऑन अ डिफरेंट नेम, आई मीन माय डैड्स नेम, ठीक है। एंड माय माय सेल्फ आई एम गोइंग टू गेट द आईटा सर्टिफिकेट, सो दैट इज ओके, राइट? आई मीन आई कैन अप्लाई फॉर द आईटा फॉर माय कंपनी। हाँ, ऑब्वियसली होता ही है ऐसा, ही ऐसा, दिस इज दी प्रोसेस, ठीक है। आप अपने नाम सर्टिफिकेट, जो जीडीएस का सर्टिफिकेट है, वो कभी भी, या आईटा का भी अगर आप कोर्स करके सर्टिफिकेट लेंगे, तो वो कंपनी के नाम पर नहीं होने वाला, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंपनी नेम, ठीक है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो आपके नाम का होगा, ठीक है। अब जब आप अप्लाई करते हो आईटा, जैसे कि आज हम करना शुरू करेंगे, अभी फॉर्म वगैरह हम भरना शुरू करेंगे, तो उसके अंदर वो आपको दिखाएगा कि आपको नाम डालना है, ठीक है। आप जब उसके अंदर नाम वगैरह डालना शुरू करोगे, तो आप जिसका सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो उसका नाम वहां पर डालना जरूरी है, समझे आप? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, उसके अकॉर्डिंग भी आप करते चलो, आपका काम हो जाएगा। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू आस्क? और कोई सवाल? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आईटा के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एंड वी आर टेकिंग इट कि जैसे किसी को कुछ नहीं पता। चाहे आप हमारी कई वीडियोस देख चुके हैं, तो भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। और बीच में किसी का कोई सवाल हो तो पूछते रहना, मैं जवाब देता रहूंगा, ओके। एसी भी ऑन कर देना प्लीज। सर एक क्वेश्चन है सर, बोलिए 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 बोलिए। सर आईटा लेने के बाद एट ए टाइम अगर से स्टार्टिंग में ही अगर से 30-40 टिकट अगर से एट टिकेटिंग करना है, कोई ग्रुप भेजना है, तो उसके लिए पॉसिबल हो सकता सर? फिर से बोलना मंजूर। आईटा अगर से आईटा ले लिया सर, आईटा लेने के बाद कोई पैकेज भेजना है यहाँ से, इंडिया से कहीं भी, 30-40 टिकट अगर से खरीदना है तो ले सकते सर उस एयरलाइन से? 30-40 भी ले सकते हैं, 3-4 भी ले सकते हैं, 3,000 भी ले सकते हैं, जी ठीक है। जब आप एक बार आईटा हो गए तो आप टिकट इश्यू कर सकते हो, चाहे जितने भी नंबर, ठीक है। 1 साल तक आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितने नंबर्स कर रहे हो, जी सर, ठीक है। जैसे बहुत बार हमने भी बताया है कि आप तब करो जब आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो या आपके पास कंसिडरेबल नंबर ऑफ टिकट्स आप बुक कर पा रहे हो, ठीक है। जी बट 3 साल तक, 1 साल तक आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, कि आप कर रहे हो टिकट या नहीं कर रहे हो। पर अगर आप पहले साल ही ढंग से टिकट बुक नहीं करोगे, ठीक ठाक नंबर नहीं होंगे, तो अगले साल दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो यहाँ जी पर आप लोग देखिए, ये आईटा की मेन साइट है, aita.org, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्विसेज पर आते हैं, ठीक है, और ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम पर हम चले जाते हैं, ठीक है। कार्गो का भी ऐसे ही होता है, कार्गो की मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों ने देखी होगी, जो कार्गो की एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं, वो कार्गो का बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो कार्गो की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट क्लिक किया, ठीक है, ट्रैवल एजेंट एक्रेडिटेशन के लिए, और नीचे मेरे को एक कस्टमर पोर्टल, मैं सीधा भी कस्टमर पोर्टल पे जा सकता हूँ, पर मैं आपको रूट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आईटा कस्टमर पोर्टल का लिंक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे को कस्टमर पोर्टल पर ले जाता है, ठीक है। अब जब हम कस्टमर पोर्टल पर जाते हैं, तो
ये हमें कहता है कि आप बताइए क्या करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रैवल एजेंट बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें ट्रैवल एजेंट का बिजनेस करना है, ठीक है। ट्रैवल एजेंट बिजनेस के लिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्रेडिशन ट्रैवल एजेंट्स पर आ जाते हैं। न्यू ट्रैवल एजेंसी एप्लीकेशन, और इवेंचुअली ये हमारे को बोलेगा कि आप इसके लिए लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं सीधा लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लॉगिन आ रहा है, ठीक है। आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, साइन अप करना बड़ा इजी है, आप लोग जानते हैं, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू साइन अप, इसीलिए उसे दिखाने की खास जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। और फॉरगॉट पासवर्ड करूंगा मैं, ठीक है, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द पासवर्ड। धीरे धीरे चलेगी ये क्लास, थोड़ी धीरे धीरे ही चलेगी, बिकॉज आईटा का सिस्टम धीरे ही चलता है, ठीक है। तो बीच में जिसके भी जो भी सवाल हो आप लोग उनको पूछते रहिएगा, ठीक है। सर, कोलाइट में हम बैलेंस रखते सकते हैं टिकट के लिए, कि बैलेंस डाल दें और टिकट बाद में इशू कर लें उसकी, बिल्कुल रख सकते हैं, या टिकट करने के बाद बैलेंस डाल लें, उसमें पेमेंट करनी है। आप पहले से भी रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बिल्कुल पैसे अपने वेस्ट ना होने दूं, पहले मैं सीधा क्या कहते हैं पहले टिकट करूं और उसके बाद, तो आप टिकट को करके आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। वो टाइम जो आपको मिलेगा उसके अंदर आप पेमेंट करके टिकट इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। पर आईटा कोई डिपॉजिट इंसेंटिव या ऐसा कुछ नहीं देता ना कि अपन पहले पैसा डाले तो कुछ पैसा देगा? बीएस के अंदर देता है, स्टैंडर्ड के अंदर देता है, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड पर जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, आईटा में कोई रिक्वायरमेंट रहती है वैन्यू से, लाइक कि पहले साल तक तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, लाइक सो इज देयर एनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टिकटिंग दैट वी हैव टू डू विद विद इन अ ईयर और समथिंग? अनल, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। क्या मिनिमम किसकी बात कर रहे हो आप? टिकटिंग, बिकॉज यू सेड लाइक पहले साल कोई कुछ नहीं पूछेगा, सो आई मीन देयर आर सर्टेन एरियाज दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर अ ईयर इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, राइट? So, if you can elaborate more on that, like what are the criteria that we need to make sure? You should, first of all, when you are taking an IITA, first of all, you have to understand it needs a lot of investment. Not if not lot of investment, it needs a lot of effort and investment. ठीक है? Yes. ना कुछ पैसे तो खर्चते ही हो, ठीक है, और उसके अलावा जो इमोशनल अटैच आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, तो ये वर्थ तो तब है जब आप महीने में कम से कम 4 इंटरनेशनल टिकट्स बेच रहे हैं। अगर आप 4 इंटरनेशनल टिकट भी नहीं सेल कर रहे हो तो ये वर्थ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट मी कंप्लीट।
अगर आप 4 टिकट बेच रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल ये बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, मान लो कि कोई सिर्फ 2 टिकट करता है, ठीक है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ अ हार्म। ठीक है, बट जो स्पेशल डील्स वगैरह हैं उनको मिलने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, वो स्पेशल डील फिर आप जब ले पाएंगे वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर ही ले पाएंगे। ठीक है, कोशिश करो कि आप कम से कम, अगर मुझसे कोई पूछे कि कितनी होनी चाहिए तो मैं कहूंगा कि महीने के अंदर कम से कम 20 इंटरनेशनल टिकट होनी चाहिए। अगर आप 20 इंटरनेशनल टिकट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा। ठीक है, बोलो क्या सवाल। हाँ जी, बिल्कुल दे सकती हैं। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई हमारा रिलेटिव हमें कहता है कि भाई मुझे टिकट लेनी है, या हम ही उनको कहते हैं कि आप कोई भी टिकट लेनी है, आप टिकट का प्राइस मुझे दे दो, ठीक है, मैं आपको कम करके दे दूं। ऑब्वियसली यही तो काम है, बिल्कुल यही मेजरली काम ही यही है कि आप किसी को भी अगर टिकट बेच रहे हो, अगर आप उसको इस बात की श्योरिटी दे पा रहे हो कि हाँ जी मैं सस्ता दूंगी या दूंगा, तो ऑब्वियसली चीजें सस्ती हो जाती है तो लोग खरीदते हैं। ठीक है, बट मैं आपको यहां पर यह भी बोलना चाहूंगा कि अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड ना करें कि प्राइस सस्ता है। ठीक है, प्राइस सस्ता होना एक आपकी यूएसपी हो सकती है, बट दैट शुड नॉट बी द यूएसपी ऑल द टाइम। अगर आप ये सोचो कि मेरे को सिर्फ इसी के बेसिस पे ही चलना है कि सिर्फ प्राइस सस्ता होने की वजह से ही लोग खरीदे, तो फिर आप खुद कहां गए? आप सोचो ना कि आपकी खुद की आइडेंटिटी कहां है। ठीक है, तो उस दोनों चीजों का एक अमलगमेशन होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। सर मोस्टली लोग खुद से टिकट्स प्रेफर करते हैं, जैसे स्काई स्कैनर या यहाँ से, एंड दैट प्राइसेस आर नॉट बीटेबल। किसने कहा? आई हैव ट्राइड इट। मैं पहले पास ऑन करता था टिकट्स, तो ऑस्ट्रेलिया में वो स्काई स्कैनर यूज करते हैं, एंड वी ऑल्सो बुक आर ओन टिकट्स बाय स्काई स्कैनर। ठीक है, तो जब वो इंडिया में हम एजेंट को देते थे तो ही कैन नॉट बीट इट, ही सेड के देयर इज अ टैक्स थिंग, तो दैट इज द रीजन इन ऑस्ट्रेलिया इट्स चीपर। हाउ वी कैन टैकल दैट? नहीं, अभी अब तो दो चीजें हो गई, आपने अपनी बात को चेंज कर दिया। ठीक है, पहले आप ये कह रहे हो, मैं दोनों बातों पे आऊंगा। ठीक है, हाँ, मैं जो आप सवाल पूछ रहे हो मैंने को आपको वो समझाना ही है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ठीक है, रेलेवेंट सवाल है। तो सबसे पहले तो आपने ये बोला कि जो स्काई स्कैनर पे होता है वो बीटेबल नहीं होता। करेक्ट, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि स्काई स्कैनर के ऊपर एक भगवान है ऊपर, वो बना डालता है? No, it's basically from the sky scanner. Peace be upon him. No. What I was thinking के उसके sky scanner as उसको flights के जैसे airlines give the better prices because they don't have any middle person in between. What do you think कि sky scanner के ऊपर airlines डाल रही है price? Because there's no middleman in between, right? No, it's just their website. Airline is never gonna put it on sky scanner. Okay. Sky scanner के ऊपर एयरलाइन प्राइस नहीं डाल रही है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए। मैं सबसे पहले आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एयरलाइन के ऊपर आप ही के जैसा sky scanner के ऊपर आप ही के जैसा कोई ट्रैवल एजेंट प्राइस डाल रहा है। ठीक है, जब आप वहां पर कंपेयर करने के लिए देखते हो और एयरलाइन का लोगो आ रहा होता है और फिर जब आप उसे बुक करने के लिए जाते हो, तो आप 70% टाइम 80% टाइम किसी एजेंट की साइट पर पहुंचते हो। ठीक है, 30% टाइम आप एयरलाइन की साइट पर पहुंचते हो और वो एफिलिएट लिंक के थ्रू होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि चलो जी मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो एफिलिएशन करूंगा सिर्फ। ठीक है, मुझे ना एयर टिकटिंग सीखने की जरूरत है, ना मुझे कुछ और सीखने की जरूरत है, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली जाता हूँ। ठीक है, अपना एफिलिएट लिंक पहले क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फिर मैं उसको स्काई स्कैनर के ऊपर अपडेट करता हूँ। स्काई स्कैनर पे अगर कोई उसको हिट कर देता है और टिकट ले लेता है, मुझे ना कोई एपीआई लेना पड़ा, ना मुझे कुछ और लेना पड़ा। आयटा जरूर लेना पड़ेगा, अगर मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ तो भी मुझे आयटा लेना पड़ेगा। स्काई स्कैनर के ऊपर मैं खुद अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूँ
फॉर सेलिंग एयर टिकट, तो भी मेरे को आईटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब मैंने ले ली, अब मैं सिर्फ अपने एफिलिएट लिंक करके डाल के करता रहता हूँ, और वही मेरा बिजनेस, ठीक है। तो एयरलाइन पे भी, एयरलाइन क्यों डालेगी इसका स्कैनर पर, आप सोचो ना भाई, एक मैन्युफैक्चरर अपनी जो खुद क्रिएट कर रहा है वो अपनी साइट पे बेचेगा कि कहीं और बेचेगा, क्यों बेचेगा, स्काई स्कैनर उठाता है वहां से, स्काई स्कैनर कहता है कि चलो मैं डालूंगा, क्योंकि वो एफिलिएट लिंक खुद क्रिएट करता है, समझे आप। ओके okay. बात ये कि जो हमने बोला कि 60% टाइम 70% टाइम एजेंट की साइट पर आप पहुंचते हो, तो वो एजेंट आप हो, ठीक है, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक योर ओन पोर्टल लाइक अ स्काई स्कैनर, हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एजेंट देता है वो उसको बीट कर रहा है, मतलब आप कह रहे हो कि एक एजेंट दे रहा है, उसको बीट किया जा सकता होगा, नॉट ऑल दैट कुड बी बीटेबल, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। पहले भी बोला कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको आप हमेशा कहो कि आप ही गारंटी कर लोगे, या तो आप मैन्युफैक्चरर, नो नो नो, यस, मेरी अपनी खुद की, मेरा खुद का होटल है, मैं कहता हूँ कि हाँ जी मैं सस्ता ही दूंगा आपको, आपका भाई आप सस्ता दे रहा है, तो मैं कहूंगा मेरा भाई है ना, ठीक है, वो मोनोपोली है, मैं फ्री में भी देता हूँ, मैं आपको साथ में सोने का सिक्का भी दूंगा भाई, आप सगन भी लेके जाना मेरे से, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो ये एजेंट्स का ही काम है, आप अपने आप को समझो कि आप एजेंट ही हो, ठीक है, जो जो डिजिटल चलेगा, OTA ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये आप कर पाओगे, ये आप सिर्फ तब कर पाओगे जब आप फेयर रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। और जो आप कह रहे हो वो सोटो सीटो होता है, सोटो यस, टिकटेड आउटसाइड, सोल्ड इनसाइड, टिकटेड इनसाइड, सोल्ड आउटसाइड, टिकटेड इनसाइड, सोल्ड इनसाइड, टिकटेड आउटसाइड, सोटो सीटो सीटी सोटू, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये एयर टिकटिंग के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। आप सोटो कैसे करोगे, सोटी कैसे करोगे, ठीक है, सीटी कैसे करोगे, ठीक है, ये सब सिखाते हैं, ये जो कंप्लीट कोर्स है उसका पार्ट है, ओके। जबकि अगर आप एयरलाइन से पूछोगे या जीडीए से पूछोगे तो कहेंगे कि ये तो चलता ही नहीं है भाई, आप इंडिया में बैठे बैठे सोटो कर सकते हो, सोल्ड आउटसाइड, टिकटेड आउटसाइड, ठीक है। टिकट भी मैं करा लूंगा, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, बेच भी दूंगा मैं न्यूजीलैंड वाले, ठीक है। अभी आज से पहले, थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, तो किसी ने बोला कि भाई साउथ अमेरिका जाता कौन है, आपके इंडिया से नहीं जाता होगा, ना जाए, मुझे क्या फर्क, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से तो बहुत जाते हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को ही बेच दूंगा, सोल्ड आउटसाइड, टिकटेड आउटसाइड, वहीं मैं टिकट बनाऊंगा, वहीं मैं बेच दूंगा, काम अपना यहां बैठ के चलाऊंगा, ठीक है, आ जाए पुलिस, आप समझो यार, आप तो सारे काम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। Why these companies are coming to India, जो मेन आपको सस्ता फेयर दे रही है वो इंडिया में बैठ के क्यों दे रही है, आप इस बात को समझो, ठीक है। और आप इंडिया में बैठे हुए आप ये सोच रहे हो कि आपको कहीं और जाके करना, ठीक है, चलो तो जो भी है, बोलो आनंद, अनिल बोलो, क्या सवाल है सर। एक लास्ट क्वेश्चन था अभी के लिए, सो एज यू सेड, लाइक मेरे पास एक सिनेरियो आया था, द क्लाइंट वाज इन यूएस एंड ही वांट्स टू फ्लाई टू इंडिया, ठीक है, बट उसका पेमेंट उसका डॉलर में था, आई एम नॉट श्योर हाउ मच रिलेवेंट दिस क्वेश्चन राइट नाउ, तो उसका पेमेंट डॉलर में था एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट अप, सो फिर मेरे को वो टिकट नहीं ले पाया था, सो इज देयर एनी, लाइक आपको एक छोटा सा नाम बता देता हूँ, पहली बात तो ये फॉरेक्स की डिटेल में पहुंच जाता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप एक कंपनी है BFC फॉरेक्स, आप उनके साथ टाई अप करो, ठीक है, फिर दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आपको कहेगा कि हाँ पेमेंट चाहिए है, यहाँ इस करेंसी में है, उस करेंसी में है, तो ये सॉल्यूशन आप कर पाओगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको आईटा भी देता है, आईटा आपको इसका सॉल्यूशन गो स्टैंडर्ड में देता है, यस, ठीक है, तो उस ढंग से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी इसका सॉल्यूशन वो सारे लोग देते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग, कोई इसको हवाला कहता है, कोई इसको हुंडी कहता है, या जो कुछ भी कहते हैं, तो ये आपका खुद का भी कुछ नेटवर्क हो सकता है, आपकी खुद की कोई रेपुटेशन कल को हो सकता है आपके काम आ जाए, तो पैसे लेना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, पर पैसे पैसे लेने लायक तो हो। अब कोई कहे कि भाई 10-20 लाख रुपए ले लो, तो उसके लिए क्या लेना है, पैसे देने लायक होंगे तो जितने भी पैसे होंगे कहीं पे भी हो, वो पैसे देने चाहिए, पैसे मना नहीं करने चाहिए। ओके, सो आई होप अगेन दिस आंसर्स क्वेश्चन, आगे देखते हैं। यस सर, थैंक यू।
तो ये लॉग इन मैंने कर लिया, पर लॉग इन करने के बाद हम यहाँ पर एक्रेडिटेशन एंड चेंजेस पर हम जाते हैं। उस पर जाने से पहले मैं नीचे आपको दिखा रहा हूं कि देखो ये दो केस क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है। तो ये दो केस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये दो केस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब हम ये पूरा क्रिएट, आप भी जब नया करोगे तो आपका भी इसी ढंग से केस क्रिएट होगा, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से मैंने जो कार्गो का किया था उसका केस क्रिएट हो रखा है, ठीक है। तो ये जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो आपको ये टाइम देते हैं, ठीक है, कि हाँ जी आपको इतना टाइम मिलेगा, आप इसके अंदर ये सारी चीजें डालो। अगर हम जैसे यहां पर आ रहा है लास्ट अपडेट 20 अगस्त, डॉक्यूमेंट इन्होंने हमसे मांगे थे, डियर एजेंट आफ्टर द सैनिटी चेक ऑन योर डॉक्यूमेंट वी फाउंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर मेंट ऑफ बीएसपी एक्रेडिटेशन मैनुअल, सारे डॉक्यूमेंट मैंने गलत डाले थे, ठीक है, फिर भी ये कह रहे हैं कि बीएसपी ले लो या जो भी ले लो, ठीक है। तो ये टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर हम अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे को दोबारा से केस क्रिएट करना होगा, दोबारा से फॉर्म नहीं भरना होगा। आप केस क्रिएट करोगे, ठीक है, तो जो 2 हफ्ते आपको देंगे, 3 हफ्ते देंगे, जितना भी टाइम देंगे उसकी आप चिंता मत कीजिए, पर अपना काम आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर हम आ जाते हैं। तो यहां पर मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले आयटा लिया हुआ है, मान लो गो लाइट लिया हुआ है और वो गो स्टैंडर्ड पर जाना चाहते हैं तो भी यहीं पर क्लिक करना है एक्रेडिशन एंड चेंजेस। तो चेंजेस का भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। अगर किसी ने डी ग्रेड करना है तो भी यहीं क्रिएट करेगा, सब कुछ यहीं से ही होना है, ठीक है। आयटा को फोन नहीं करना है आपने, आयटा को ईमेल नहीं करनी है, आयटा से कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस है वो आयटा का कस्टमर पोर्टल है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहां पर से आप केस क्रिएट करोगे, जब आप यहां से क्रिएट करोगे तब जाके बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यहां पर मैं अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटिटी कर लेता हूं, आप सबने यही करना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटिटी कर देते हैं। कई बार सिस्टम हमें ब्लॉक भी कर देता है, तो इसके अंदर डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, पहले से वीडियोस डली हुई है, ठीक है, बट अभी फिलहाल हमारे को इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, मोस्ट प्रोबेबली हम ये सारा कुछ कर पाए, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने हमारे को ऑप्शन दे दिया है, पहले तो कि आप ट्रैवल एजेंट के लिए एक्रेडिटेशन ले रहे हो या कार्गो के लिए। बाय डिफॉल्ट इसने हमारे को ट्रैवल एजेंट टिक किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट गो स्टैंडर्ड लिया हुआ है, तो यहां पर हम गो लाइट कर लेते हैं, ठीक है। गो ग्लोबल करना चाहो गो ग्लोबल कर लो, ठीक है, गो लाइट कर लो। अभी फिलहाल मैं इसको गो लाइट कर लेता हूं। कंपेयर एक्रेडिटेशन करना है आपने, अगर करना चाहो तो, अदरवाइज हमें तो मालूम ही है कि हाँ कितने पैसे लगने हैं कितने नहीं लगने हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसे कंपेयर करना चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका पीडीएफ खोल सकते हो और ये आपको बता देगा कि हाँ जी इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर इंडिया हमने पिक किया हुआ है पहले से ही, ओके। तो यहां से हम ठीक तो ये हमने जब क्लिक कर लिया तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अगर हम यहां पर कहते हैं कि नहीं हमारे को इजी पे चाहिए तो हमें गो लाइट बता देगा, ये हमें कैश करना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड करना है, तो जो भी हम करना चाहें। अभी फिलहाल मैं इजी पे यहां पर कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसने आपको कंपैरिजन बता दिया, कोई ये करने की जरूरत नहीं होती जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इजी पे क्लिक किया था तो इसीलिए इसने रिकमेंडेड मेरे को आयटा गो लाइट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे को करने की कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रोसेस का पार्ट नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे चेक करना है, ठीक है। कंट्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सब आपको यहां से पता लग जाएंगी, क्या फीस है वो आपको यहां पर पता चल रही है, ठीक है, तो इस ढंग से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट क्लिक करके अपना प्रोसेस, बोलो बोलो अभिषेक, सवाल बोल लो, क्या सवाल।
सर कैश कैसे पॉसिबल है सर इसके अंदर? कैश आप जब करोगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, तो ये आपको ये बंद ही कर देगा, राइट। तो जब तक जो इस बात को समझ ही नहीं रहा, ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है इजी पे होगा, तो इसलिए मैंने इजी पे पिक कर लिया, राइट। और अगर हम क्रेडिट कार्ड पिक कर लेते हैं तो फिर वो पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई आपको पीसीआई डीएसएस करना ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी पिक करो सोच समझ के पिक करो, ठीक है। तो देखो इसने अपने आप न्यू आइडेंटिटी गो लाइट कर लिया, ठीक है। इज दिस एजेंसी या जनरल सेल्स एजेंट? आई होप कि आप सब लोगों की एजेंसी कल को कभी किसी एयरलाइन की जनरल सेल्स एजेंट बने, मतलब एक एयरलाइन के आप इंडिया के एजेंट बन जाओगे कि भाई इंडिया में टिकटें खरीदनी है लुफ्थांसा की तो सिर्फ अभिषेक से खरीदो, ठीक है। जितने एजेंट भी हैं हर एयरलाइन अपना जीएसए बनाती है, ठीक है, ज्यादातर जितनी भी एयरलाइन है वो बनाती है, जो बहुत पुरानी हो गई है वो फिर डायरेक्ट आ जाती है। अभी फिलहाल हम इसको नो कर लेते हैं, ठीक है, नो करके नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसने हमारे को बता दिया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन गाइड दे रहा है, हमारे को खोल लेनी चाहिए, खुलती भी नहीं है खैर, ठीक है। पीस पैसेंजर एजेंसी एग्रीमेंट जो हमारे को साइन करके देना होता है, ठीक है, इसको मैं साइट में खोलने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। और निल सीसी डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि जब ये कह रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लोगे तो क्या आप सच में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लोगे, ठीक है। ये देखो ये आपका पैसेंजर एजेंसी फॉर्म आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको ही नहीं भर पाते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार हम पूरा प्रोसेस कर ले, मैं आपको खोल के दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आपने करना होता है, और निल सीसी ये फॉर्म भी कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ, आप लोग भी इसी ढंग से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है, जैसे अभी मैंने खोला ना, अगर मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं करूंगा तो ये थोड़ी देर में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। समझाऊंगा मैं जब दोबारा इसको एक बार खत्म कर ले, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि क्रेडिट कार्ड जब आप कह रहे हो कि यूज करना है या नहीं करना उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने आपको बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, दैट व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स डू वी नीड, ठीक है। तो लीगल बिजनेस एंटिटी की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिए, ठीक है। जिसके पास भी प्राइवेट लिमिटेड या LLP है उसको ये मालूम है, ठीक है। तो यहां पर मैं फिलहाल सबसे आसान वाले पर आ जाता हूं कि अगर ये एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, तो कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं मैं ही कंपनी का मालिक हूं तो मेरे को अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी, वैलिड पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, या फिर अपने आधार कार्ड की कॉपी लगानी, ठीक है। अब इसमें से हमारे को GST मैंडेटरी किया हुआ है, देख रहे हो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या GST चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रूफ ऑफ GST रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए है, GST रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST नंबर टू बी एंटर्ड इन द VAT नंबर फील्ड, तो आपको ये चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हो जहां पर GST नहीं है तो वहां पर जो सा भी टैक्सेशन का नंबर है वो आपको डालना, ठीक है, सेल्स टैक्स नंबर है, VAT नंबर है, तो वो नंबर आपको चाहिए। अगर आप यहां पर एग्जेम्प्ट हो तो आपने उसके लिए जो डिक्लेरेशन लिया वो आपको डालना, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक दे दो आप, जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, उसके पास भी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो ले सकता है, ठीक है, 5 मिनट में आप ऑनलाइन जाके ले सकते हो, नहीं तो वो ट्रेड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटी कॉर्पोरेशन, ये दिल्ली का तो ऑनलाइन मिल जाता है। हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग कहोगे तो क्लास खत्म करने से पहले मैं ये भी आपको निकाल के दिखा दूंगा कैसे होता, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, ऑनलाइन आ जाता है, सिर्फ नाम वगैरह डालना होता है, और हमारे को ट्रेड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटी कॉर्पोरेशन भी मिल जाता है, ठीक है। फिर यहां पर नीचे आप देख रहे हो स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया ना, कि आपको स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना, ठीक है।
तो ये आपका जो जीडीएस का सर्टिफिकेट वो लिखा हुआ, प्लीज सबमिट एयरलाइन टिकटिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द एयरलाइन जीडीएस और आईटा। एयरलाइन तो इशू करती नहीं है, जीडीएस हम इशू कर ही रहे हैं, आईटा से वही चीज लो और महंगी मिलती है, खैर लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आईटा से लो चाहे जिससे भी लो, आपको जहां से ठीक लगता है वहां से लो, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये हमारे को देनी होती है, क्या कहते हैं, जब हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं, ठीक है। द लेवल एंड मैंडेटरी सैंपल टैक्स विल बी इन्फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ही है, और ट्रैवल एजेंट हैंडबुक हमने डाउनलोड कर ली, उस पर साइन कर, तो ये इतना सिंपल है, ठीक है। अब ये हमारे को कहेगा कि आप फॉर्म भरो, ठीक है, और ये चीजें अपलोड कर दो, तो हम फॉर्म भरने के, मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले ये भर चुके होंगे, तो जिस भी कंपनी को हमने पहले इसे नाम डाला होता है, ये इसने बाय डिफॉल्ट पहले से वो ले लिया, ठीक है, वो नंबर इसने ले लिए, नहीं तो नहीं ले रहा है तो आप डाल दोगे, टाइप कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर हमने ये सब क्या कहते हैं टाइप किया हुआ है पहले से, तो इसको मैं थोड़ा सा, सर इसके लिए लैंडलाइन भी लेना है सर इसके लिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जहां पर वो लैंडलाइन नंबर मांग रहे हैं वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल, ठीक है, ओके। सर क्वेश्चन, द पासपोर्ट, बोलिए बोलिए बोलिए, जो आईटेल है उसको होना चाहिए कि जो लीगल एंटिटी है, लेट्स से प्रोप्राइटरशिप है, तो जिसका प्रोप्राइटरशिप है उसका पासपोर्ट चाहिए, जिस जो प्रोप्राइटर है उसी का ही पासपोर्ट चाहिए है, और उसी के नाम पे ही सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटर हो, आप ये कह रहे हो कि आप सिंगल ओनर हो, ठीक है, या तो आप अपना एम्प्लॉय दिखाओगे किसी को, तो फिर एम्प्लॉय का नाम यहां पर डलेगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पर डलेगा, ओके ओके। आई होप दिस आंसर। सर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जैसे तीन पार्टनर है फॉर एग्जांपल, और उसमें कोई एक पार्टनर सर्टिफिकेट ले रहा है तो भी चलेगा, या तीनों पार्टनर का सर्टिफिकेट दरकार है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और अगर आप तीनों डालना चाहो, तीनों डालने का प्रोसेस भी मैं आपको बता, ठीक है। तीनों को इक्वल राइट देना चाहते हो आप कि भाई मैं भी पार्टनर हूं, आप भी पार्टनर हो, कल को एक पार्टनर से झगड़ा हो गया तो दूसरा ऐसा हुआ, ठीक है, कि जिसने आईटा प्रोसेस किया अब उसी के पास लॉगिन है, उसी के पास सब कुछ है, वो दूसरे को तंग कर रहा है, तो यहां पर आप तीनों को इक्वल दे सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यहां पर पिक कर लेते हैं कि हमारी कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो जोन सी भी आपकी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, या लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, तो जो भी आप पिक करना चाहते हो आप यहां से पिक करते हो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम बता दो, तो हम यहां पर अपनी कंपनी का नाम बता देते हैं, ठीक है, ओके। यहां पर ऑब्वियसली आपका जवाब होना चाहिए सेलिंग एयर टिकट्स, राइट, एंड ट्रैवल सर्विसेज, अब ये कह रहे हैं कि आप जितने भी लोगों को ऐड करना चाहते हो इसमें ऐड कर, जैसे यहां पर बाय डिफॉल्ट जिसने लॉगिन क्रिएट किया वो तो एडेड है, जैसे मैंने कहा ना आप और अपने पार्टनर्स को ऐड करना चाहते हो तो आप प्लस कर करके ऐड करते जाओगे, ऐड पर्सन अपने एम्प्लॉय को, अगर आप एम्प्लॉय का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट यूज करने वाले, ठीक है, तो एम्प्लॉय को यहां पर ऐड करो, ठीक है, और यहां पर आपने पोर्टल एडमिन पे भी टिक करना है, ओके, और इस एडिट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर ये एक और फॉर्म खोलेगा। तो बहुत सारे लोग यहां पर गलती करते हैं कि ये फॉर्म नहीं खोलते, ठीक है, तो जब ये फॉर्म खुलेगा तो इसको भी हमें भरना है, और इसके ऊपर भी कुछ यहां पर है ओनर, तो यहां पर आप ओनर को भी टिक कर लोगे तो ये कंप्लीट होगा फॉर्म, ओके। नन मिस्टर कर लेते हैं फिलहाल यहां पर, ओके, और एड्रेस डाल देते हैं, चीज पूछ लीजिए इसमें सर, ये इसमें लिखा है हाउ मेनी ट्रैवल एजेंसी प्रीवियसली वर्क फॉर, तो आप मेंशन कर दो, अगर आप मेंशन करोगे तो उन कंपनी की डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको जीरो कर दो, जीरो करना भी बेटर है, क्योंकि अगर आपने किया भी हो तो भी इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट राइट।
देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम जिस दिन कंपनी खोल रहे हैं उसके एक साल के बाद अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं आज की डेट डाल दूंगा तो भी मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 17 डाल दूं, 18 डाल दूं तो भी मैं करता हूँ, ठीक है। और जॉब टाइटल के अंदर आप ओनर लिखना चाहो, यहाँ पर कोई ग्लैमराइज अपने आप को नाम देने की जरूरत नहीं है या डेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। आईटा है, उसने सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो जो रियलिटी है उसके साथ चलिए आप, ठीक है। हाउ मेनी ट्रैवल एजेंसीज प्रीवियसली यू वर्क फॉर, नन, वन, टू और मोर, जितने भी आप कर लोगे तो वो उतनी ही डिटेल आपसे मांगेगा। अभी फिलहाल हमने इसको नन कर लिया है कि इससे पहले हमने किसी में काम नहीं किया। नीचे बटन आ रहा है सबमिट का, हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे मेन फॉर्म जो हैं वो फिल हो गए, ठीक है। एक फॉर्म है, दूसरा उसका पार्ट, ठीक है, ओके। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन है। ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? कौन सा सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जो ट्रेड सर्टिफिकेट लाइसेंस बोला आपने, जो मैं आपको लेट दिस फिनिश, फिर मैं आपको वो भी लेकर दिखा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सर एक्चुअली दिल्ली का प्रोसेस डिफरेंट है, हरियाणा का डिफरेंट होगा, सबका सेम ही है, ठीक है। अब दिल्ली का मुझे आता है, मैं आपको दिल्ली का सिखा दूंगा, है सबका सेम ही, वही प्रोसेस आपको अपनी स्टेट में करना होगा। हर एक स्टेट का तो नहीं करके दिखा सकते, बट प्रोसेस लगभग सेम ही है, किसी का ऑनलाइन हो जाएगा, किसी का ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, वुड यू लाइक क्रेडिट कार्ड फॉर्म ऑफ पेमेंट टू बी इनेबल फॉर योर एजेंसी? तो इसको हम नो करते हैं, ठीक है। इसको हम यस इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोगों के पास, ज्यादातर के पास पीसीआई डीएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेशन नहीं है। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप इसको यस करना चाहोगे तो एक आपका सर्टिफिकेट इंक्रीज होगा, पीसीआई डीएसएस का सर्टिफिकेशन आपको एक अलग से लेना पड़ेगा, वो आपका बैंक आपको फ्री में दे सकता है, नहीं तो ऑनलाइन भी बिकता है। ऑनलाइन आप इसको 10,000 रुपए से ज्यादा का कभी ना खरीदें, बिकता 2 लाख का भी, पर आपका बैंक चाहे तो इसको फ्री में दे सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम वही डेट डाल देते हैं, 17 हमने डाली थी वहां पर, तो वही हमने 17 अगस्त को अभी नया नया ऑफिस खोला है, ठीक है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन नंबर वही, फिर से अपना क्या कहते हैं जीएसटी नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ओके। सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर ये जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट अनेबल्ड फॉर योर एजेंसी है सर, ये क्रेडिट कार्ड से हम आईटा को पे करेंगे या हम रिसीव करेंगे, समझा नहीं सर। दोनों ही चीज है, अभी आगे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा आपको। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। इज योर एजेंसी एन आईटा? ऑब्वियसली नो, अगर होती तो हम एक्रीडेशन को चेंजेस कर रहे होते, तो अभी फिलहाल हम इसको नो कर लेते हैं। क्या आपके पास I-10 है? ठीक है, जिनके पास है ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात है, पहले से टिकटें कर रहे हैं, इसको हम नो कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितने GDS हैं, यहाँ से आपको पता लगता है कि एक्चुअली कितने GDS हैं, ठीक है। अबेकस एक GDS है, अमेडियस है, ठीक है, जो आप लोग सीखते ही हो। एक्सेस एक GDS है जिसका शायद आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा। फेयर लॉजिक्स भी एक GDS है। हिटिट कंप्यूटर सर्विस, ये एक बड़ा अच्छा GDS है। इन्फिनी, क्यू सिस्टम, सैबरे, ठीक है, सिरेना, ट्रैवल पोर्ट, गैलीलियो, वर्ल्ड स्पैन, ट्रैवल स्काई, इनके अंदर करीब आप ये भी आप क्रिएट कर सकते हो, पर आपके पास 100-200 करोड़ रुपए होने चाहिए कम से कम। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर गैलीलियो को पिक करके चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर वर्ल्ड स्पैन को भी चूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपोलो को भी चूज कर लेता हूँ, मैं जितने चाहूं उतने कर सकता हूँ, सारे करना चाहूं सारे कर सकता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी मैं सोचना कि इससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है कि आप ज्यादा डाल दोगे, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है सिर्फ, ठीक है। इनमें से कोई सिस्टम आपके पास टिक पे करोगे कैसे? नहीं तो आईटा के बगैर भी टिकट नहीं कर सकते, जीडीएस के बगैर भी नहीं कर सकते, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। आईटा आपको इश्यूएंस का राइट देता है और जीडीएस के ऊपर टिकट बनती है, ठीक है, सो इट्स लाइक दैट, ओके। सर यहाँ पर एक ही डाल सकते सर, अगर से अमेडियस है हमारे पास, गैलीलियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसा कर? जब आप अमेडियस डालना चाहो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप एक ही डाल सकते हो, और एक जरूर डाल, ठीक है जी। पर सर आपने सेक्शन 4 के ऊपर आपने कुछ ये नहीं किया सर। शाबाश शाबाश, बोलो क्या सवाल। सेक्शन 4 के ऊपर आप चूज नहीं किया सर, यस सर नो कुछ दे रहा था सर, आप टिक नहीं किया इसके लिए। हो सकता है मिस हो गया, देख लेता। और बोलिए क्या सवाल है।
सर अभी तो हमने जैसे जीडीएस के साथ साइन नहीं किया, अभी तो हम आईटा के वो ले रहे हैं सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, तो कैसे यहाँ लिख सकते हैं जीडीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट? आप सिर्फ ये कह रहे हो कि आप इनमें से कोई एक यूज करो, अच्छा आप चाहे नहीं भी करो तो भी आईटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अब इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जीडीएस काइंडली कंफर्म यू कैरी, देखो लिख दिया उन्होंने कि अगर आपके पास जीडीएस नहीं होगा तो आप एनडीसी कर लेना, डायरेक्टली एयरलाइन से कर लेना, एनडीसी का ठीक है। तो इसको इन्होंने बाय डिफॉल्ट नो किया हुआ है, हम इसको नो ही रहने देंगे और नेक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रैवल एजेंट बिना जीडीएस के चल ही नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात में बिलीव करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है, बट रियालिटी यही है। ओके तो ये हमने भरा ही नहीं सर्विस टैक्स नंबर, ये पूछ रहे हैं कि कोई और पोजीशन क्या आप होल्ड करते हो, तो ये यस भी हो सकता है क्योंकि अगर हम मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं सर, ये आपने एनडीसी क्या बोल रहे सर, आपने एनडीसी का अभी बताऊंगा, एनडीसी भी बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ दोबारा बताऊंगा मैं बता रहूंगा जब जब आप क्लास में आते रहोगे मैं बताता रहूंगा पर मैं आपको 3 बार पहले कम से कम बता चुका हूँ अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ पर जो भी हमारे पास क्या कहते हैं प्रूफ है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, नहीं तो अपना आधार कार्ड, नहीं तो अपना पासपोर्ट, जो कुछ भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं उसको अपलोड करते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास तो जो भी पीडीएफ दिखाई दे रही है मैं उन्हें अपलोड करते जा रहा हूं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं अपना जीएसटी अपलोड कर दो, मैंडेटरी है जीएसटी, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, जीएसटी मैंडेटरी है, ठीक है। सर जो कंपनी में वो नोटराइज्ड, अगर आप उसको स्क्रॉल अप करोगे प्लीज, हाँ बिल्कुल, नहीं अप 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 अ लिटिल बिट, यस अ लीगल बिजनेस एंटिटी जहां पे पहले था, नहीं इसको स्क्रॉल अप करना प्लीज, हाँ जी नोटराइज्ड सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड ऑल दैट स्टाफ, डू वी नीड टू प्रोवाइड ऑल ऑफ देम और इट्स जस्ट ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, देयर इज नो और इन इट ना, सो दैट्स कोई बिजनेस एंटिटी वाला एक ही करना, ठीक है, इनका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कोई एक करना, ठीक है, ओके ठीक है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, दिल्ली का मैं दिखा दूंगा, कभी कोशिश करेंगे हरियाणा का भी कभी ना कभी दिखाएगा। अब देखिए यहां पर आपसे इन्होंने सर्टिफिकेट मांग लिया जलीलियों का, मैं कोई भी जीडीएस, ठीक है, तो ये आपको देना है, ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे एग्जाम मिलने के बाद वो आप यहां पर अपलोड कर दो, ठीक है। तो यहां ये कंप्लीट हो जाता है, हमने अपना पूरा का पूरा फॉर्म बिल्कुल ठीक कंप्लीट कर लिया। आप इसको सबमिट नहीं करना चाहते हो, सेव एंड ड्राफ्ट करके छोड़ दो, अगले दिन चेक कर लो अच्छे से, उसके बाद कर लो, ठीक है, पर अभी फिलहाल एक चीज के अंदर, सॉरी एक चीज के अंदर एंडोर्समेंट लेटर भी मांग रहा है, अगर ऊपर करें तो एंडोर्समेंट लेटर भी मांग रहा है आपसे, मतलब इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ये आप नीचे लास्ट वाले ऑप्शन में उसने कहा था यू मस्ट सबमिट द एंडोर्समेंट लेटर एज वेल फ्रॉम यू गाइस, आई मीन फ्रॉम टूरिज्म स्कूल, डीबीएस का सर्टिफिकेट, एक बार फिर से मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा फॉर्म आपका दिखा रहा है और इसको ये क्या कहते हैं आपको वो भी दिखा देगा, क्या कहते हैं शायद पीछे जाएगा नहीं, ठीक है, ये आपको पीडीएफ बनाकर दे देगा इसका, ठीक है, अभी देखते हैं अगर पीछे जाएगा तो मैं ले जाऊंगा, ये तो फॉर्म के अंदर भी हम देख पाएंगे, यहाँ पर बैक हो जाएगा सर, ऊपर से बैक हो जाता है सर, आई थिंक मैं आपके कहने पे रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को पूरी क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है, पीछे ऊपर से बैक नहीं होता यहाँ पर ये आपका फॉर्म आ गया,
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी चीज को लेके कंफ्यूज आते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ये फॉर्म भी बाद में ये आपसे मांगेंगे, ठीक है, ये आपको प्रिंट आउट करके भेजना है उनको। तो यहाँ पर मैंने ये भी आपको डाउनलोड करके दिखा दिया है, जो इन्होंने पीडीएफ मुझे दिया, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके पास आ गया जो आपने भरा था, ठीक है। तो इसके हर पेज के ऊपर स्टैंप लगाओ, हर पेज के ऊपर साइन करो, और जब ये मांगेंगे ये फॉर्म आपने देखा है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा दोबारा से भी क्या कहते हैं आंसर कर पाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका केस नंबर आ गया, ये केस नंबर है सो एंड सो। अब इसके ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया हमारे पास एक केस नंबर आ जाता है। स्टैंप अपनी कंपनी की लगानी है? हाँ, कंपनी की लगानी है, क्योंकि आप ट्रैवल एजेंसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्रिएट हो गया। अब एक बार दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ एक्रेडिशन स्टार्ट करने की, ठीक है, ताकि जो आप कैसे पीछे जाने का कह रहे थे वो हम देख पाएंगे। ओके, कोशिश कर लेते हैं एक बार। ओके, तो वापस मैं होम पर आता हूँ। फिर से मैं एक्रेडिशन पे जाता हूँ। समझ आ रहा है सवाल? फिर से अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंड टाइटी, ठीक है। हम वो अपने क्रिएटेड केस में भी नहीं जा सकते थे एडिट करने के लिए? जा सकते हैं, बट वो अभी अपडेट हुआ नहीं होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। ओके, ठीक है, तो यहां से करना ज्यादा इजी है हमारे लिए, ठीक है। देखो ये आगे लेगा, देयर इज एन ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर न्यू हेड एंड टाइटल। तो जब तक ये चल रहा है तब तक ये नया लेगा नहीं, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं। उसके अंदर पूरा दिखाएगा भी नहीं, हम अपना एडिट वाले पे जाएंगे ना, तो वो जो चीजें शायद आप जो कह रहे हो वो वाला पूरा ना दिखाए, सिर्फ आपको आपका फॉर्म दिखाए, ठीक है। तो फिलहाल तो ये नहीं जाएगा आगे, ठीक है, दूसरे लॉग इन से करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहां पर मैं कंक्लूड करता हूँ। अब आप लोगों के जो सवाल है उनको लीजिए, और फिर मैं आपको एक बार दोबारा से फॉर्म दिखाऊंगा, मतलब जो हमने एग्रीमेंट डाउनलोड किया और बाकी बिल सीसी, ठीक है। इंडोर्समेंट लेटर नहीं मांगते, ठीक है। इंडोर्समेंट लेटर मांगा जाता है जब हम TIDS ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम TIDS नहीं ले रहे हैं तो नहीं मांगते, ठीक है, क्लियर है? पूछिए क्या सवाल है। हाँ, सॉरी सर, इंडोर्समेंट लेटर जब हम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये रिक्वेस्ट भेजेंगे एंडोर्समेंट लेटर की, और वो एंडोर्समेंट लेटर हम प्रोवाइड करें। रिकमेंडेशन लेटर मांगता है TIDS के केस में, बाकी सारे केसेस में आप जो सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उस केस में आपसे एंडोर्समेंट लेटर मांगा जाएगा, ठीक है। एंडोर्समेंट लेटर का मतलब है ऑथेंटिकेशन लेटर, इसका मतलब ये है कि आपको जिस इंस्टीट्यूट ने ये दिया है, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट ने आपको सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट, ये इंस्टीट्यूट बोले कि हाँ आपने सच में कोर्स किया, तो उसके नंबर होगा, आप हमसे लोगे, हम आपको देंगे, आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है, इसकी कोई एडिशनल फीस नहीं है। बट इस बात को आप समझिएगा कि जब तक आईटा आपसे ये मांगेगा नहीं हम जनरेट कर ही नहीं सकते, राइट। अगर हम ये आपके मांगे बगैर जनरेट कर दें तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप लोग आईटा अप्लाई करोगे और ये आपसे मांगेगा कि आप अपना एंडोर्समेंट लेटर दीजिए, तो वो ईमेल आप हमारे को फॉरवर्ड करोगे, मेरी ईमेल आईडी पर आप फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, और अपनी कंपनी की डिटेल भेजोगे, फिर हम आपको 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर, ज्यादा भी लग सकता है, फिर हम आपको एंडोर्समेंट लेटर देते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड आपने जो डिटेल भेजी है वो कंप्लीट भेजी है, उसका फॉर्मेट हम आपको दे देते हैं कि आपने ये डिटेल कैसे भेजनी है, ठीक है। अब वो एंडोर्समेंट लेटर जब आ जाता है उसको भी आप अपलोड करते हो, फिर आईटा आपको इनवॉइस देता है,
फिर आप उसकी पेमेंट करते हो। इनवॉइस जो आती है आप कहते हो कि मुझे इसको कम करवाना है तो आप उसे कम करवा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जितने वो पैसे मांग रहे हैं आप क्या कहते हैं उनको पैसे दे देते हो और ये आपको आयटा देते हैं, ठीक है। तो इंडोर्समेंट लेटर बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप गो लाइट लो, चाहे आप गो स्टैंडर्ड लो, चाहे गो ग्लोबल लो, इंडोर्समेंट लेटर चाहिए ही चाहिए और वो हम देंगे, ठीक है। पर हम देंगे सिर्फ और सिर्फ तब जब आपसे आयटा इसकी डिमांड करेगा, पहले से नहीं मिल सकता। और उसका प्रूफ आप हमारे को भेजोगे, ठीक है, कि हाँ आयटा ने ये डिमांड कर ली है, ठीक है। और साथ में आप अपनी कंपनी की पूरी डिटेल दोगे, वो क्या डिटेल देनी है वो हम आपको बता देंगे, वो फॉर्म आपको जब आयटा भेजेगा तो आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द एंडोर्समेंट लेटर, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। पर एंडोर्समेंट लेटर के लिए अपना दिमाग में आप 15-20 दिन लेकर चलें, ये बिल्कुल भी ना सोचें कि एंडोर्समेंट लेटर नहीं आ रहा और मेरी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। एंडोर्समेंट लेटर आने में डिले हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाएगी तो दोबारा से केस क्रिएट हो जाएगा, तो उसके अंदर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एक बार आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन एक्सपायर हो सकती है, पर हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट देते हो हमारे को और ये डिमांड आती है, हम आपको जल्दी से जल्दी एंडोर्समेंट लेटर भी दे देते हैं, ठीक है। और ये इसलिए हुआ है ताकि जो लोग नकली सर्टिफिकेट यूज करते थे वो बंद हो जाए, ठीक है, और ये बंद हो भी गया, चलो जो भी है। अब आ जाते हैं निल डीसीसी फॉर्म, जो कि हमने डाउनलोड भी किया था और यहाँ पर खुला भी हुआ था, देखते हैं खुला हुआ है, खुला हुआ है, आप लोग देख पाओगे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले आप इस बात को समझो कि कोई भी वेबसाइट अगर वो ये कह रही है कि हम अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शंस करें, तो उसके पास पीसीआई डीएसएस का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप ग्लोबली सिक्योर्ड हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फ्रॉड नहीं होगा, और अगर वो फ्रॉड होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, उसका कंपनसेशन क्रेडिट कार्ड देखेगा, जो मर्जी देगा, ना आपके क्लाइंट का नुकसान होगा ना आपका होगा, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट का प्रोसेस डाला हुआ है कि हमसे कम्युनिकेट नहीं करना, वहीं से कर लेना, उनके पास पीसीआई डीएसएस होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग जो सिर्फ गो लाइट ले रहे हैं कि भाई हमने टिकटे शुरू करनी है, वो ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड से अपने लेवल पर पेमेंट लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आयटा को भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना का मतलब यह है कि विदाउट मैनुअल इंटरफेरेंस, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, आपकी साइट के ऊपर लोग क्रेडिट कार्ड को डालते हैं, वहां पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल स्टोर हो जाती है, और वो जो स्टोर हो रही है वो पीसीआई डीएसएस गारंटी कर रहा है कि इसे मिसयूज नहीं हो सकता ये, ठीक है। उसे कहते हैं पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन। तो जब आप उस लेवल पर होगे और अगर आप ये कर रहे हो तो आपके पास पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन पहले से है। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं वो पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ठीक है। चाहे अब आप एचडीएफसी से गेटवे लो, आईसीआईसी से लो, चाहे आप रेजर पे से लो, पेयू से लो, जिससे मर्जी लो, ठीक है। तो पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं होते। पर जो लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, भाई आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजेक्शन करने के लिए जिससे गेटवे ले रहे हो, भाई पेमेंट के लिए कोई गेटवे तो लोगे वही तो देगा, पर वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते, किसी से पहले बेवकूफ बनना शुरू कर देते हैं और सर्टिफिकेशन खरीदना शुरू कर देते हैं, जबकि ये कोई खरीदने वाली चीज ही नहीं, समझ गए आप, क्लियर है। आप बताइए और क्या सवाल है सर। पीसीआई डीएसएस है सर, क्या है सर? पीसीआई डीएसएस है, बिल्कुल ठीक, आप गूगल करके देखना आपको मिल जाएगा। सर हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस फॉर अगर हम आईटा में लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन 22nd वी गिव द एग्जाम एंड वी गेट द सर्टिफिकेट एंड हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस हाउ प्रोसेसिंग टाइम फॉर आईटा टू जनरेट अस। आप लोगों ने देखा हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए अभी, करेक्ट, ठीक है। यू कैन डू दिस प्रोसेस टुडे विदाउट डिले, आप आज ये प्रोसेस कर देते हो, आपके पास जीडीएस का सर्टिफिकेट नहीं है, वो आप अपलोड नहीं करते हो, ठीक है, ठीक है, आप बाकी अपना प्रोसेस पूरा कर देते हो, तो आयटा ने कौन सा आपकी ईमेल को पढ़ लिया, ये ईमेल ही लिखी है हमने, ठीक है, दिस इज नथिंग एल्स, वो पढ़ेंगे इसको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, फिर वो उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे,
ठीक है, फिर जब वो उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर वो कहेंगे भी सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी चीजें भी बताएंगे वो, और भी आपको वो चार चीजें बताएंगे, पहले आपको वो चार चीजें कंप्लीट करनी है, वो आप चार चीजें कंप्लीट कर लोगे तब तक सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट आने का, एग्जाम होने का वेट मत कीजिए, ये आप एक महीने पहले, दो महीने पहले भी स्टार्ट करके रख सकते हैं, होने दो उसको एक्सपायर। आपका काम तो आसान हो गया, आपको पता तो लग गया कि कहां गलती हुई कहां नहीं हुई, क्योंकि आईटा बहुत गलतियां निकालने वाला है, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, फिर आपने अपना सर्टिफिकेट भी डाल दिया, काम खत्म। तो मतलब कोई अगर पहले से प्लान करके चले तो सर्टिफिकेट आने के हफ्ते के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। व्हाट यू मीन आईटा बहुत सारी गलतियां निकालेगा? भाई गलतियां दैट इन द टेक्निकल एरर, क्लरिकल एरर्स और व्हाट? सबसे बड़ी गलती वो यही निकालता है कि आपने जो साइन किए हैं वो बॉक्स के अंदर नहीं है, जो आपने स्कैन किया है स्कैन की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपने स्टैंप जो लगाई है वो आपने गलत जगह लगा दी है, ठीक है, इस तरह की गलतियां निकालते। और ये इनकी तरफ से भी बहुत सारी गलतियां होती है, हमारे स्टूडेंट है वो ही बताते हैं कि हाँ जी हमारे क्या कहते हैं आईटा किसी और के एड्रेस पर भेज दिया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूमन इन्वॉल्व्ड प्रोसेस, तो इसके अंदर गलतियां आईटा भी खूब करता है, हम लोग भी करते ही हैं, खैर आप लोग सीख रहे हो तो इसीलिए आप गलतियां नहीं करोगे, ओके। पर हम प्रिपेयर तो रहे, ठीक है, हम ये सोचें कि नहीं 100% हमने तो क्लियर कर ही लेना है, ठीक है, आप पहले से कर तो लो, अगर आपने 100% क्लियर कर लिया तो उस डे तो बोलेंगे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा तो वो भी अपलोड कर दो, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए और क्या सवाल है? हाँ बोलोगे बिल्कुल देना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है, आप यूके में करो, यूरोप में करो, कैनेडा में करो, श्रीलंका में करो, मॉरिशियस में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, न्यूजीलैंड में करो, सेम प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और हम जो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो इन सब जगहों पर चलेगा, हम जो आपको एंडोर्समेंट लेटर देंगे वो भी सब जगह, ठीक है, क्लियर। पूरी दुनिया का, हाँ पूरी दुनिया का कर सकते बिल्कुल, सब में, तीनों में टिकट आप पूरे दुनिया की किसी भी कंट्री के इशू कर सकते हो, आप जो सा मर्जी दो, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है, मैं सवाल बता देता हूँ आप लोगों को, सवाल इनका बड़ा सिंपल सा है जो हम कई बार बता भी चुके हैं कि गो लाइट, गो स्टैंडर्ड और गो ग्लोबल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये, टिकट तो आप सारी इशू कर सकते हो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गो लाइट के ऊपर एयरलाइन अवेलेबल नहीं है, भाई एयरलाइन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, गो स्टैंडर्ड में भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोचकर बैठे हैं ना कि भाई हम तो दे देंगे 8 लाख रुपए की बैंक गारंटी और हम गो स्टैंडर्ड लेंगे, अब हमारे को सारी एयरलाइन मिल जाएंगी, आपको सारी एयरलाइन तब भी नहीं मिलेगी, आपको एयरलाइन एक एक करके खुलवानी होती है, ठीक है, वो आप गो लाइट पर भी खुलवा सकते हो, वो आप गो स्टैंडर्ड पर भी खुलवा सकते हो, ठीक है। पर आपके पास जब आईटा आ गया, मतलब आपके पास गो लाइट आ गया या गो स्टैंडर्ड आ गया या गो ग्लोबल आ गया, मतलब आपके पास टिकट इशू करने का राइट आ गया, अब आप टिकट इशू कर सकते हो, ठीक है, और वो जिस भी एयरलाइन की आप कर पा रहे हो उसकी कर सकते हो, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अब फर्क क्या है फिर, गो लाइट सबसे कम पैसों में, गो लाइट नाम ही बोल रहे गो लाइट, भाई आप अपने ऊपर बर्डन मत लो, सबसे कम पैसों में आप कर लो, ठीक है, तो ये दैट इज कॉल्ड गो लाइट। दूसरा, गो स्टैंडर्ड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है बीएसपी आता है, बिलिंग सेटलमेंट ना, अभी हम लोग सोचे ना पैसे कैसे देंगे, क्लाइंट से पैसे लेंगे फिर आगे आईटा को देने, आप सोचकर देखो कि आप अगर टिकट बना रहे हो दिल्ली से जापान, मतलब टोक्यो जाओगे, टोक्यो से फिर आप सैन फ्रांसिस्को जाओगे, सैन फ्रांसिस्को से आप न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम से दिल्ली, बड़ी नॉर्मल सी टिकट है, ठीक है। अब इसके अंदर 3-4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तीनों की चारों की तीनों चारों कंट्रीज कहती हैं भाई हमारे को तो हमारी करेंसी में पैसे चाहिए, हमें नहीं मालूम आप कौन हो कौन नहीं, ठीक है, आप खुद भेज कर देखो ये पैसे। आप कहोगे भाई ये तो बड़ा ड्रामा हो गया, यही ड्रामा खत्म कर दिया बीएसपी ने, यही तो है बीएसपी, और क्या है वो बीएसपी कर रहा है। तो गो स्टैंडर्ड के अंदर पेमेंट आपकी हो जाती है बड़े आराम से, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। आपको जो जब हम इजी पे करते हैं, नहीं तो गो लाइट के केस में हम इजी पे करते हैं, तो इजी पे करके बार बार पेमेंट करना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। बीएसपी के अंदर क्रेडिट मिलना शुरू हो जाता है 15 दिन 15 से 30 दिन 2 महीने 3 महीने, लोग कहते हैं अब मिलता नहीं, और सब मिलता है भाई, आप उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलता सब है। सो बीएस
गो स्टैंडर्ड का बेनिफिट है बीएसपी। ये मत सोचना कि गो स्टैंडर्ड लेने से आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि आपको सारी एयरलाइन मिल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एयरलाइन आपके काम करने के ऊपर है, आपके जीडीएस की नॉलेज के ऊपर है। तीसरा आ जाता है गो ग्लोबल। गो ग्लोबल का फायदा है कि आप के मल्टीपल ऑफिस है, ठीक है, मल्टीपल ऑफिस है, इंडिया के अंदर भी है, सिंगापुर के अंदर भी है, आपका लंदन में भी है, आपका न्यूयॉर्क में भी है, सब जगह पर है। एक ही आपने आईटा ले लिया, एक ही उसके ऊपर चल रहा है। जब भी कोई कंपनी बड़ी हो जाती है ना, वो यही चाहती है कि भाई कम एक ही अकाउंट से सारा कुछ हो, तो उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको ऑटोमेट करना आसान होता है, ठीक है। तो गो ग्लोबल उनके लिए है जिनके मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑफिस है, ठीक है। अदरवाइज गो स्टैंडर्ड और गो ग्लोबल के अंदर और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। फिर टीआईडीएस है आपका, टीआईडीएस आपको बस खुश करने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई चलो बच्चा कह रहा है कि पापा खिलौना ले दो 10,000 रुपए का, तो पापा कहते हैं बेटा 100 रुपए का ले। वो वैसे ही टीआईडीएस में कोई टिकटिंग नहीं मिलता आपको, यू कैनॉट इश्यू टिकट, ठीक है। टीआईडीएस रिकमेंडेशन लेटर उसके अंदर मैंडेटरी है, और आपको रिकमेंडेशन लेटर कोई देने ही नहीं वाला, ठीक है। अगर मैं अपनी एक ब्रांच खोल रहा हूं, भाई मेरी अपनी ब्रांच है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, तो मैं उस ब्रांच को रिकमेंडेशन लेटर दूंगा। अदरवाइज रिकमेंडेशन लेटर का मतलब है गारंटी करना कि भाई मैं गारंटी कर रहा हूं, इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अगर ये कुछ गलती कर देगा तो इसके पैसे मैं दूंगा। तो इसलिए टीआईडीएस किसी काम नहीं आता। टीआईडीएस सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए है, ठीक है। कोई यंगस्टर अगर यूज कर रहा हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज टीआईडीएस कोई काम नहीं आता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जिसको ट्रैवल एजेंसी नहीं चलानी, जो सिर्फ शौक के लिए कर रहा है, वो टीआईडीएस की कोशिश कर सकता है, ठीक है। उसका कोई रिश्तेदार होगा तो हो सकता है उसे रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए, नहीं तो रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा, पहले से बता रहा हूं। कोई आप भी नहीं दोगे, आप ये सोचो ना कि मैं नहीं दूंगा, आप भी नहीं दोगे। मैं तो कहता हूं आप मुझे दे दो रिकमेंडेशन लेटर, कोई एक दे दे मेरे को, फिर देखो मैं करके दिखाता हूं क्या फायदा होता है रिकमेंडेशन लेटर का। मतलब आप 2,000 करोड़ रुपए पे करोगे एयरलाइन को, आप दे तो दो किसी को एक बार गलत रिकमेंडेशन लेटर, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर वही जिस जो करेगा वो तो कर करके गायब हो जाएगा, रिकमेंडेशन लेटर आपने दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, हो गया क्लियर है ना। मैं पहले आपको एग्रीमेंट दिखा देता हूँ और वो PCI DSS वाला फॉर्म दिखा देता हूँ, फिर लेते हैं दोबारा से सवाल आप लोगों के और फिर कंक्लूड करते हैं इसको, ठीक है। सर हर साल कितनी मनी पे करनी पड़ती है ग्लो ग्लोबल के लिए? वो ग्लोबल के अंदर आपको हर साल जो पे करने पड़ेंगे, आप मानकर चलो 2.5 लाख रुपए फीस इनकी हर साल पे करनी पड़ेगी। और बैंक गारंटी मेरे ख्याल से कुछ 42 लाख लिखी है। नहीं ऐसा नहीं है, 27-28 लाख रुपए है, ठीक है, पर जरूरी नहीं होता उतनी करो, ज्यादा भी की जा सकती है, कम भी की जा सकती है, वो आप ही के बेनिफिट और लॉस का, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये फॉर्म देख लो, बहुत आसान है, ये भरना है, लेटर है हेड ऑफ द ट्रैवल एजेंट। अब देखो ट्रैवल एजेंट कितना इंटेलिजेंट है, वो कह रहा है मैं ट्रैवल एजेंट हूँ वो कह रहा है मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, इसको लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करता है, पर इस लाइन को नहीं मिटाता। भाई ये आपने फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है, ये नहीं है कि पीडीएफ के ऊपर ही अपना ठप्पा चिपका देना, ठीक है। आप इसको क्रिएट कर लो, लेटर हेड ऑफ द ट्रैवल एजेंट को हटाओ यहां से, अपना लोगो लगाओ यहां पर, डेट डालो, ठीक है, टू द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मतलब वो आईटा को लिख रहे हो, दिस इज टू डिक्लेयर दैट द अंडर साइंड एजेंट, यहां पर आपकी ट्रैवल कंपनी का नाम और फिर आपका नाम अंडर द ब्रैकेट, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर, ओके। अगर आप प्रोप्राइटर हो तो सिर्फ आपका नाम भी आ सकता है, ठीक है। यहां पर आप अपना साइन कर दें, अपना नाम लिख दें, साइन कर दें, स्टैंप मार दें, ठीक है, हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं आपके एग्रीमेंट के ऊपर, तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसको भी भरने में कई लोगों को दिक्कत आती है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, चलो बड़ा तो ये हो गया। ओके, तो एन एग्रीमेंट मेड जिस डेट पर आप डाल रहे हो, इतनी चिंता नहीं करनी होती, ठीक है। ऑब्वियसली आपने आज भरा, पहुंचेगा 10 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, तो इतना डेट का आपको नहीं करना होता।
ठीक है, जिस डेट पे भी आप डाल रहे हो ठीक है, वो आप यहाँ पर डेट डाल दोगे। हैविंग इट्स प्रिंसिपल ऑफिस एट हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द एजेंट, तो आप अपना जो एड्रेस है वो आपको डालना है ठीक है। और ये कह रहे हैं कि देख लो ये आपने पढ़ना है, ये सबको पढ़ना चाहिए, ये आपको सबको पढ़ना ही होता है ठीक है, ओके। और ये हमारे को बताना होता है ठीक है। तो जो एजेंट है और जो अगर मान लो मैं हूं ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा लॉयन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड स्लैश में मयंक ब्रैकेट के अंदर मयंक नारंग ठीक है। और आइटा का एड्रेस, सिंगापुर का एड्रेस हमारे पास आता है, जब वो मांगेंगे तो एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पे हमें भेजना है ठीक है, ओके। तो ये एड्रेस आप यहां पर डाल दोगे ठीक है, किसने भेजा है ठीक है, उसका आप नाम डाल दोगे, अपना नाम डाल दोगे, सिग्नेचर एड्रेस डाल दोगे। और विटनेस, वो आपका कोई इंप्लॉई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है ठीक है, तो उससे साइन करा लो, उसका नाम लिख दो, उसका मोबाइल नंबर भी लिख दो ठीक है, विटनेस की डिटेल तो होनी चाहिए ना, उसके फादर का नाम भी लिख दो ठीक है। तो ये आपको कर लेना है और फिर इसको आप अपने अपलोड कर देना है, और यही ये लोग कहेंगे हमें कूरियर करो ठीक है, ये आपसे विटनेस और कूरियर भी करवाएंगे ठीक है। तो आप इस बात को समझना कि इसको स्कैन करोगे तो बेटर क्वालिटी में स्कैन करो, साइन ठीक जगह पर करो, आपको अपना खुद का फॉर्मेट ये कई बार भेजते हैं, तो जब ये आपको अपना खुद का फॉर्मेट देंगे तो भी वो भी सेम ही होगा, उसको बस आप भरो ठीक से, कोई दिक्कत आएगी तो ऑब्वियसली मुझे आप भेजोगे, मैं बता दूंगा इसमें क्या कंफ्यूजन है, मैं व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगा ठीक है। अब पूछो क्या सवाल। विटनेस कुड बी फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। So it will be wise before uploading all the documents just to show you once. What? I said yes. It would be wise that before uploading all the documents, we'll show you once that everything is all good. You and show me or you don't show me. It has to be uploaded. First of all, a document. In a document, agreement you can show me that you have signed it or not. But your own documents, your Aadhaar card. वो आपको मुझे देने की कोई जरूरत नहीं। No, just the fillable forms that I'm asking of। हाँ, ये आप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो, मैं बता दूंगा ठीक है या नहीं। सर, सर अब बीएसपी के अंदर बोलो बोलो शावर। वो सुन रहा है यहाँ पर, क्लास में ही है राकेश बैठा हुआ। कनेक्ट ही नहीं किया उसने अभी तक, अभी राकेश से पूछते हैं, राकेश ही बताओ। हो गया सर, कनेक्ट हो गया। कर लिया मैंने। वो कर देगा टिकट आपके लिए, राकेश टिकट इश्यू कर दोगे अपनी फ्लाइट की? अब वो कह रही है उसकी टिकट भी इश्यू होगी। कर दोगे राकेश आगे, कर दोगे? ठीक है सर, कर देंगे आगे। किसी को टिकट बुक करवानी हो राकेश से, साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, तो इसका नंबर हमसे मांग लीजिएगा, सब कुछ करेगा राकेश ठीक है। किसी को वीजा लगवाना हो, किसी को यूएसए भेजना हो, जो करना हो सब कुछ ठीक है। अब और बोलो क्या सवाल है, मंसूर पूछ लो क्या सवाल। सर वो आपने गो स्टैंडर्ड के अंदर बीएसपी लेने से जो ट्रांसैक्शन है उसका इजी होता है लेना सर, अभी गोलेट के अंदर से अगर से करना है तो कैसे सर? उसके अंदर तो बीएसपी नहीं होता, उसके अंदर इजी पे होता है ठीक है जी सर। इजी पे कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वही राकेश ने किया। राकेश कैसे किया कनेक्ट? सर उसमें लॉगिन करके किया मैंने, आईटा में वेबसाइट पे जाके इजीली हो गया। देखो यस नेट अकाउंट कनेक्ट कर दिया। में हमें वो लाइव के लिए एक अकाउंट खोलना होगा, और यस बैंक वाले इतने समझदार हैं, उनको खुद को कई बार नहीं मालूम, तो आपको यस बैंक के अंदर अकाउंट खोलना होगा ठीक है। आप पहले से बोलोगे उनको कि भाई मैं ये अकाउंट इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आयटा गो लाइट की पेमेंट्स करनी है ठीक है। जब वो आप कर लोगे तो आप अपने आयटा गो लाइट के इजी पे का अकाउंट को इससे कनेक्ट कर दोगे ठीक है, और अपने जीडीएस को इससे कनेक्ट कर दोगे, अब आपकी पेमेंट हो जाएगी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्रेडिट कार्ड से पे करो, बैंक ट्रांसफर करो, जैसे मर्जी करो, जब तक आप पेमेंट करोगे नहीं टिकट इशू नहीं होगी। बीएसपी गो स्टैंडर्ड के अंदर यही होता है कि आपकी पेमेंट 3 दिन बाद जा रही है, 10 दिन बाद जा रही है, 20 दिन बाद जा रही है, टिकट इशू होते रहते हैं, आपको पेमेंट का सोचना नहीं पड़ता उस केस में ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल? सर हमें गो ग्लोबल को छोड़ के
गो लाइट लेना चाहिए या गो स्टैंडर्ड लेना चाहिए? मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि पहले हमेशा गो लाइट लेना चाहिए, ठीक है। अब हम देखो अगस्त में बैठे, ठीक है, अगस्त भी खत्म ही होने वाला है, राइट। मान लेते हैं कि सितंबर में आपके पास आएगा गो लाइट, ओके। अप्रैल में दोबारा से एनुअल फीस देनी है, गो स्टैंडर्ड ले लो तो भी, गो ग्लोबल ले लो तो भी, आपको एनुअल फीस दोबारा पे करनी है अप्रैल में, ठीक है। अब रियलिटी में ये लेके, जैसे अभी देखो राकेश ने बोला, मेरे कहने ख्याल से एक दो महीने राकेश परेशान हुआ है। कई बार हमारी खुद की बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं, हम बिजी हैं, गलती नहीं है, मालूम है करना है पर कर नहीं पा रहे हैं। तो आप इस बात को समझो कि जब तक आपने टिकट इशू करनी शुरू ही नहीं की, पहले से क्यों 10 लाख का बर्डन लेना है? पहले एक बार कर लो ना, फिर उसके बाद आप माइग्रेट कर जाओ गो स्टैंडर्ड के ऊपर, वो तो अप्रैल में कर जाओ, ठीक है। बट अगर किसी की हर महीने 300-300 टिकटें बुक हो रही हैं भाई, वो तो कहेगा उसको कर लेना चाहिए पहले दिन से, ठीक है। तो ये आप खुद सोचो कि क्या आपकी हर महीने 200-300 इंटरनेशनल टिकट बुक हो रही है, या कम से कम 50 इंटरनेशनल टिकट आपकी हर महीने बुक हो रही है। अगर हो रही है तो गो स्टैंडर्ड कर लो, फिर आपको फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर उससे कम है तो गो लाइट से चलाओ पहले और फिर माइग्रेट कर जाओ, ठीक है, क्लियर है? और कोई सवाल? ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की कि आपने रजिस्टर कैसे करना है कंपनी को, क्या कहते हैं जो हमारा शॉप एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे को कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो कुछ नहीं, वही क्या कहते हैं, गूगल पे जाके लिखेंगे दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये गूगल पे मैंने लिखा है। ओके, और ये साइट आ गई है ऑनलाइन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ये आप लोग नोट कर लो, लिख लो, लेबर cis.nic.in, ठीक है। आपको करना हो तो बिल्कुल सबको करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं करना, आप चाहे हरियाणा में हो, जहां पर भी हो, आपको दिल्ली वाला तो ले लो, कम से कम कहीं तो लीगल हो गए ना लीगल, बाकी आप तब लोगे, हरियाणा वाला आएगा जब आएगा तब की तब देखेंगे, एक दिल्ली वाला तो ले ही लो, कोई पैसे लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे चले जाओ, ओके, अभी आ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। सर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर, आंध्रा में है, हरियाणा में है, दिल्ली का ले लेंगे तो कैसे? अगर से दूसरे स्टेट से है दिल्ली का ले लेंगे तो कुछ प्रूफ क्या? आप दिल्ली का ले लो, कोई बुराई नहीं, ठीक है, लेने में कोई बुराई नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, कुछ चीजों की डिटेल में नहीं जाना चाहिए, आप अपनी स्टेट से करो, नहीं करना है छोड़ दो उसको, पर दिल्ली का लेने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आई विल नॉट लाइक टू गो टू राइट ट्रैवल एजेंसी, कंपनी का नाम है, कैटेगरी देख लो क्या आपने पिक करनी है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ले ली कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना है आपने, जो भी आपका एड्रेस हो, ठीक है, कोई चेक करने नहीं आना। टेलीफोन नंबर मैंडेटरी है देखो, पर आप कुछ भी नंबर डाल दोगे ले लेगा, राइट, फैक्स मैंडेटरी नहीं है, ईमेल डालनी चाहिए मैंडेटरी नहीं है, जबकि आपको जरूर डालनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑक्यूपायर, मान लेते हैं कि अकेला ही इंसान है, ठीक है, तो जो कोई भी है, ठीक है, तो फादर्स नेम, तो जो ओनर है, ठीक है, वो अपने फादर का नाम यहां पर लिख देता है, नेम ऑफ द मैनेजर, इंप्लॉय अगर है तो वो आपका मैनेजर है, नहीं तो अपना ही नाम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है।
फिर से इसका भी फादर वही होगा, ठीक है, तो इसका फादर क्योंकि अपने ही नाम डाला है तो सेम लिख, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर ट्रैवल है, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपकी ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स, लोग कहते हैं ना ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस कैसे लोग मिल गया लाइसेंस ट्रैवल एजेंट हाँ टिकट कोई नहीं मिलेगी, टिकट नहीं इश्यू कर सकते हो आप, ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं हम सेकंड पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, अगर इस पर कोई गलती नहीं की होगी तो। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता दो, तो मैं कहता हूं एक ही एम्प्लॉई है, फीमेल जीरो है, यंग पर्सन भाई जो स्टार्ट कर रहा है वो ही यंग है, तो इसको भी बंद कर लेते हैं, ठीक है। कब स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया 20 अगस्त, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली जीरो, नंबर ऑफ अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजिशन जीरो, ठीक है, रजिस्टर कर, ठीक है, तो ये आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आपका, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, यही तो मांग रहा है आईटा, ठीक है। तो अब भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे ख्याल से तो हरियाणा का भी ऑनलाइन है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, यूपी का भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही है, इतना ही आसान है, किसी को पैसे नहीं देने, किसी लोग हैं जो इसके 5,000 रुपए ले रहे हैं, आप खोलो ये काम भी ऑनलाइन, एडवर्टाइज करो, वीडियोस बनाओ, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन 5 मिनट में आप, मैं आपको अगर पंजाब से आप रेगुलरली अगर इस चीज को एडवर्टाइज करना शुरू कर दो, करते रहो आप 3 महीने, आप इसी से पैसे कमाने शुरू कर दो, ये रियलिटी है, इस बात को समझिए आप। तो प्रॉफिट टर्म का यूज करनी है हमें इसको गूगल पे सर्च करने से पहले, शॉप लेबर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड लेबर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ये आपने यूज करनी है, जो कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, राइट। और कोई सवाल? पंजाब से हो गए तो भी तो कर सकते हैं ऐसे ही शॉप एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल पंजाब से भी करवा सकते हैं। और क्या हम एक से ज्यादा सर्टिफिकेट कर सकते हैं, हरियाणा में अलग, दिल्ली में अलग? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक। देखो सुनो, अब मैं आपको इस थोड़ी डिटेल में जाता हूँ, लोग घबरा गए, पहली बात तो ये कि मत लो, ठीक है भाई, मत लो, ठीक है। अगर आपको इतनी किसी को भी चिंता हो रही है, चाहे वो मंसूर हो या जो कोई भी हो, कि भाई मैं तो, आप कह रहे हो दिल्ली से ले लो, मैं तो नहीं लूंगा, मत लो, बिल्कुल मत लो, आपको लेना ही नहीं चाहिए, सुन लो मेरी बात, ठीक है, मत लो आप, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपको कि आप लो, ओके। दूसरी बात ये कि मान लो, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूँ, कौन सी सिटी में हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं फिर किसी सीए को फोन करूंगा, किसी वकील को फोन करूंगा, इसको उसको ना जाने में किस किस को फोन करूंगा, और उसके बाद फिर मैं लूंगा, रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, ठीक है, और इन्हीं दिनों के बीच में मैं अपनी ट्रांजेक्शन भी करता हूँ, कोई टिकट बुक कर देता हूँ, कोई कुछ कर देता हूँ, ठीक है, और कोई मेरे पास इंस्पेक्टर भी आ जाता है। अब वो इंस्पेक्टर ये कहता है कि भाई आप क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन है आपकी? मैं कहता हूं हाँ दिल्ली की है, पहले मैं उस एड्रेस पे था, वो है, समझे हमारे इस बात को? जब तक आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, गवर्नमेंट को आपने इन्फॉर्म किया कि आप एक काम करोगे, आपने अपने किसी रिश्तेदार का एड्रेस डाला, ठीक है, सो दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू यू नो मेक इट लिटिल इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। खैर अब वो टाइम नहीं रहा कि जहां इंस्पेक्टर, पहले क्या होता था, कोई बिजनेस करता था, पंजाब में आज भी होता है और भी स्टेट है जहां पर ये होता है, और इंस्पेक्टर आके बैठ जाते थे कि अच्छा आप बिजनेस कर रहे हो, लाओ बुक्स दिखाओ, लाओ हमारे को पैसे दो, ये दो वो दो, तो ये उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं, और जहां आईटा की बात आ गई, आईटा को तो कुछ लेना देना ही नहीं, ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट, ठीक है, बट आईटा तो अपनी बस खाना पूर्ति कर रहा है, वो पैसे ले रहा है आपसे, आप पैसे दे दो और अपना लाइसेंस ले दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप मैंने आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दिया और अच्छे से आपको बताया कि आप आईटा रिकग्निशन कितने आराम से ले सकते हैं, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सीखिए और कीजिए, ठीक है, हमारे लिए तब ये ज्यादा अच्छा होगा जब आप रियलिटी में करें भी सही, ठीक है।
ठीक है। दूसरी बात, जो लोग वीजा के स्टूडेंट्स हैं ठीक है, उनों की शाम को 7 बजे क्लास है, जो वीजा के स्टूडेंट्स नहीं है ठीक है उनों की नहीं है। ओके, तो जो वीजा के स्टूडेंट्स हैं उनों की ऑब्वियसली शाम को 7 बजे ट्रांजिट वीजा की क्लास है, जो जीबीएस एडवांस कर रहे हैं उनों की भी है ठीक है, बाकी किसी की नहीं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।